और अब बात उस लोकसभा सीट की जिसकी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस अभी तक असमंजस में है। लेकिन अगर बात स्मृति ईरानी की करें तो स्मृति ईरानी अयोध्या में रामलला के दर्शन से चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप का भी उन्हें समर्थन मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेठी में फिर खेल होने वाला है? इस खेल को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर अमेठी में कब किसकी जीत हुई। तो आपको चलिए बता देते हैं कि 1980 में संजय गांधी को जीत मिली थी, फिर 1984 से 1991 तक राजीव गांधी अमेठी सीट से जीते थे, फिर गांधी परिवार से 1999 में सोनिया गांधी को जीत मिली और 2004 से 2014 तक राहुल गांधी लगातार तीन बार जीते। लेकिन 2019 में राहुल गांधी हार गए और स्मृति ईरानी की बम्पर जीत हो गई। लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है और इंतजार कांग्रेस के प्रत्याशी का है। और चलिए इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, जहां अब तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब भी राहुल गांधी का इंतजार है, उस सीट पर स्मृति ईरानी अकेले ताल ठोक रही हैं। और अब तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी स्मृति ईरानी की राम भक्ति पर उन्हें समर्थन दे दिया है। स्मृति ईरानी के समर्थन में आए एसपी विधायक राकेश प्रताप ने दिया समर्थन, सपा की ओर से किया समर्थन का वादा, रामलला पर टिप्पणी से नाराज है राकेश। और यही वजह है कि अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से सपा विधायक राकेश प्रताप ने अब स्मृति ईरानी को खुला समर्थन दे दिया है। निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा कि जो अपने दिन की शुरुआत अपने आराध्य की सेवा से करता हो, अपने ही घर के मंदिर से, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा जब जिस राजनीतिक पार्टी का वो वर्षों से साथ दे रहा हो, उस पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से उसके आराध्य का अपमान उस व्यक्ति को सहन करना पड़ा। कि मैं राज्य समाजवादी पार्टी का करता हूँ, मैं विधायक समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं उन व्यक्तियों का सम्मान कैसे कर सकता हूँ और उन व्यक्तियों के बगल में कैसे रह सकता हूँ जिनके द्वारा रामायण की प्रतियां जलाई जा रही हो, जिनके द्वारा पूज्य तुलसीदास को गाली दी जा रही हो, जिनके द्वारा हिंदू धर्म को धोखा कहा जा रहा हो, सनातन धर्म को ढोंग कहा जाता हो, उसके साथ में कैसे बैठ सकता हूँ, उसके साथ में कैसे राजनीति को अपने आगे बढ़ा सकता हूँ। एक तरफ चर्चा जहां इस बात की है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लेंगे, तो दूसरी तरफ अमेठी में नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अमेठी में अपनी जीत का भी दावा किया। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। अमेठी और रायबरेली सीट पर दशकों से गांधी परिवार के प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं और इसी वजह से अमेठी हॉट सीट मानी जाती है। लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ नहीं किए। लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अमेठी की लड़ाई में अयोध्या से चढ़ाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और चुनावी शोर के बीच अब राजा महाराजाओं की भी एंट्री हो चुकी है और कल राहुल गांधी ने एक रैली में राजा महाराजाओं की चर्चा की और अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी के राजपूत वाले बयान पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर राजा महाराजाओं को गाली देने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि पहले राजाओं का राज हुआ करता था। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने महान लोगों का अपमान किया। राहुल गांधी ने कहा राजा जो चाहते थे वो कर देते थे। इस पर पीएम मोदी ने कहा छत्रपति शिवाजी रानी चेन्नम्मा का इन्होंने अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा पहले किसी की भी जमीन छीन लेते थे। इस पर पीएम मोदी ने कहा नवाबों निजामों पर शहजादे आखिर चुप क्यों हो जाते हैं, यानी कि इस बार पलटवार में मुद्दा अब राजपूत पर आ चुका है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एक ताजा बयान जरूर सुना होगा, ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण और भीषण हो चुका है। 24 के महासंग्राम में एंट्री राजा महाराजाओं की हो चुकी है, क्योंकि कल एक रैली में राहुल गांधी ने महाराजाओं की चर्चा की थी। राहुल गांधी ने कहा था पहले राजा महाराजाओं का राज था, राजा जो भी चाहते थे कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी राजा जमीन उठा कर ले जाते थे। लेकिन कांग्रेस ने आजादी हासिल की, लोकतंत्र लाए और संविधान दिलवाया। राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया था और आरोप लगाया कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए राजपूत समाज का अपमान किया है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। यानी प्रचार के शोर के बीच राजा महाराजाओं की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी के राजा महाराजाओं वाले बयान पर अब पीएम मोदी ने प्रहार किया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर राजा महाराजाओं को गाली देने का आरोप लगाया और औरंगजेब की सोच रखने वालों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। यहां तक कि पहली बार चुनाव लड़ रही कंगना रनौत ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को शहजादा कहते हुए निशाना साधा। एक दिल्ली में है शहजादे, बहुत बड़े माता पिता की संतान, और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और जुड़े हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं। मतलब साफ है, पहले चरण में विकास और रोजगार के मुद्दे पर छिड़ी सियासी लड़ाई दूसरे चरण तक हिंदू मुसलमान पर आ गई, और अब जब तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा राजा महाराजाओं पर शिफ्ट हो चुका है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ सियासी शहजादे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो एक तरफ देश में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ आरक्षण पर अब भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। और अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। शाह ने कहा कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है तब तक एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। तो वहीं आरक्षण के मसले पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ये भी साफ किया है कि एक वीडियो आरक्षण को लेकर सर्कुलेट किया जा रहा है, उससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ आरक्षण का समर्थन करता है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर रहे, अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।